हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने यूथ और निफ्टी की एनालिसिस ऑलरेडी हमने कर ली थी। ओके, किस दिन करी थी? हमने करी थी यहाँ पर परसों के दिन। ओके, निफ्टी की एनालिसिस करी थी और बताया था हाउ टू प्रेडिक्ट द स्टॉक मार्केट एज एन एक्सपर्ट, यहाँ पर हमने बता दिया था। बट स्टिल उसके बाद जो हमने वीडियो बनाई थी लगभग 4 बजे के आसपास बनाई थी, 3:30 के आसपास। पर उसके बाद बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज और बात करें ग्लोबली मार्केट यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आई। तो अभी आपको एक नजरिया दे देने का विचार था कि आपको बता दिया जाए कि एग्जैक्टली मार्केट में अब क्या हो सकता है। ओके, और अगर उसी तरीके से मार्केट जाती है तो उस केसेस में आपको यहाँ पर क्या करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे ये सब चीज से रिलेटेड। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं बट वीडियो उनके को मिल नहीं पाती जस्ट बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन, उसे ऑन कर लीजिए। और हमारे जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, यहाँ से कल से वीडियो आना शुरू हो जाएगी। और जो वीडियोज हम डाल रहे हैं कि आपको 2 स्टॉक्स बताए हैं, ओके, दशहरा के लिए जाके यहाँ पर आप चाहे तो इन्वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। इंस्टा यहाँ पर इन्वेस्ट फॉरएवर में यहाँ पर आप जाएंगे, ट्विटर को फॉलो करिए। तो हमने यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिया है जहाँ पर पर्सनल क्लासेस और बैच क्लासेस दोनों शुरू हो गई है, जाके एंट्री करिए। ओके, अच्छा खासा यहाँ पर नॉलेज आपको दी जाएगी। यहाँ पर मनी मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट इंडिया का क्या फ्यूचर है, ओके, स्टॉक मार्केट कैश और डेरिवेटिव्स किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडर्स, फंडामेंटल एनालिसिस, एसेट एलोकेशन एंड कॉर्पोरेट एक्शन, रिसर्च एनालिसिस एंड ऑपरेटर्स इन स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब चीज आपको यहाँ पर बताई जाएगी। जाके यहाँ पर एनरोल करिए, अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा जब एक बार यहाँ पर ये कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद आप की कोई भी प्रॉब्लम रहेगी उसे सॉल्व किया जाएगा 3 महीने तक। इसके बाद स्ट्रेटेजी जो मार्केट में यूज होती है वो कुछ जो मैं यूज करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, और ऑनलाइन नोट्स किस तरीके से यहाँ पर जो हमने बनाए हैं वो आपको यहाँ पर मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं निफ्टी की अगर हम बात करें। ओके, निफ्टी में यहाँ पर अच्छे खासी यहाँ पर जंप दिखाई दी। क्यों जंप दिखाई दी? क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी एज पर द एक्सपेक्टेशन थी, और जब कोई भी चीज एज पर द एक्सपेक्टेशन होती है तो याद रखिए मार्केट वहां से गिरता नहीं है, या तो बाउंस बैक हो जाता है या फिर एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है। मोस्टली यहाँ पर बाउंस बैक ही दिखाई देता है। जो ये बाउंस बैक था ये एक दिन पहले आना था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोजोन्स था बट नहीं आ पाया जस्ट बिकॉज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अगले दिन थी। ओके, तो वो जंप यहाँ पर आ ही नहीं पाई। तो ये सब चीज यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या बताना चाहता हूँ, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डो जोन्स जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप दिखाई, कल के दिन भी यहाँ पर मार्केट आया। ओके, परसों के दिन मार्केट आया था नीचे, उसने उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। बट अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर जो सपोर्ट था उसे इसने ब्रेक कर दिया है। ओके, उस ब्रेक यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद चुपचाप चीजें क्या हो गई है, नीचे की तरफ आ गई है। अब क्या मार्केट में हो सकता है, ओके, उस पॉसिबिलिटीज पे हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, डो जोन्स से रिलेटेड और नैसडेक के रिलेटेड बात करेंगे, और उसका इफेक्ट हमारी मार्केट पे क्या आएगा उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट की, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। ओके, जब तक इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पर क्रॉस नहीं करेगा, और मेनली ये पॉइंट है इसे क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हम मार्केट में तेजी के बारे में हमें नहीं सोचना है। ओके, दूसरी बात अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये पॉइंट है ना जो 28,403, इस पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि चीजें हो सकती है कि यहाँ पर आती हुई दिखाई दे। ओके, और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि अगर मार्केट गिरती है तो इसे टच करके शायद ऊपर जाए, अदरवाइज और अगर मार्केट गिरा तो फिर यहाँ पर सपोर्ट बनता है इसका 27,000। तो मार्केट में जिस तरीके से ये गिरावट हुई है हमें यहाँ पर सीरियस होने की अब बात हो गई है, थोड़ा सा हमें सीरियस होना होगा। किस बेसिस पे? अगर हम ट्रेडर है ओके, उस बेसिस पे। बट अगर हम इन्वेस्टर है तो याद रखिए इन्वेस्टर्स के लिए ये जो गिरावट होती है हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है। क्यों अपॉर्चुनिटी रहती है वो भी मैं आपको यहाँ पर अगर आप चाहे तो मैं बता सकता हूँ। तो देखिए, जब जब यहाँ पर मार्केट गिरी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि मैं आपका ज्यादा टाइम ना लूं। तो डो जोन्स आपके सामने है। ओके, जब जब यहाँ पर मार्केट में गिरावट हुई है तब तक एक अपॉर्चुनिटी बनी है। देखिए, यहाँ पर एक मार्केट गिरा था ओके 1987 में। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या रैली थी, यहाँ पर मार्केट गिरा, फिर एक रैली थी, और फिर उसके बाद 2000 में जब ये मार्केट गिरा तो जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी बबल,
यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 50-60% तक मार्केट यहाँ पर क्रैश होता हुआ दिखाई दिया था, ओके, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर जंप हुई, फिर 5-6 साल बाद फिर दोबारा इकोनॉमिक क्राइसिस आते हुए दिखाई दिए थे, ओके, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लगातार एक रैली थी। बट जब ये रैली थी, ओके, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में हमेशा ही एक रैली रही है, और मार्केट में जो ये गिरावट हो रही है हमेशा ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज पीपल जो अभी एंट्री करेंगे, ओके, थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पर जो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आप स्टॉक्स लेंगे गिरे हुए, ओके, अच्छी कंपनीज के जिनके अर्निंग अच्छी है, ऐसे ही स्टॉक्स को पिक करेंगे तो दोबारा मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो इसी तरीके से डो जोन्स में हुआ था और इसी तरीके से निफ्टी में भी होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट बहुत बार गिरी है और जितनी बार भी मार्केट गिरी है हर बार एक अपॉर्चुनिटी ही बनती रही है। यहाँ पर गिरी थी, फिर ऊपर उठी, फिर गिरी थी, फिर यहाँ पर ऊपर उठी, फिर गिर रही है, फिर एक बार यहाँ पर उठती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी मार्केट में एक गिरावट थी, कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पर गिरी थी, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गिरावट, फिर कंसोलिडेशन, फिर चीजें ऊपर गई, यहाँ पर देखिए फिर गिरावट हुई, फिर कंसोलिडेशन और फिर यहाँ पर ऊपर गई। तो इसी तरीके से ये मार्केट का बिहेव है, हमेशा चलता आया है और इसी तरीके से चलती आती है चीजें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एक सपोर्ट था, ओके, इस सपोर्ट को भी इसने यहाँ पर थोड़ा बहुत तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर ऊपर गई। तो यहाँ पर जब इस तरीके से चीजें चल रही है और जब यहाँ पर हमने दिखाई दे रहा है ये सपोर्ट, ओके, तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर नीचे आके और नीचे आ गई है तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि गिरावट हो और बेहतरीन सपोर्ट तो फिर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। ये पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट 26,000 28,000 पे भी चल रहा है, ओके, 26,000 के आसपास का जो ये सपोर्ट है ये बेहतरीन है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत गिरावट का यहाँ पर डो जोन्स में संकेत मिल रहा है, 8-9% और मार्केट गिर सकता है, तो गिरने का फिर यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये गिरावट इसमें अब हो रही है। और हम बात करें यहाँ पर निफ्टी में, निफ्टी में इस तरीके की गिरावट ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है, हमने यहाँ पर देखा था, ओके, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर नीचे आया। बट जब डो जोन्स गिर रहा है तो ऑब्वियसली बात है यूएस की मार्केट इसे भी यहाँ पर नीचे की तरफ खींचते हुए नजर आएगी। बट हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव क्या है कि हमारी मार्केट में DIIs में उसी तरीके से यहाँ पर बाइंग भी हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे FIIs और DIIs का डेटा अगर देखेंगे पूरे थ्रू आउट द मंथ का, ओके, लास्ट महीने का, तो आपको यहाँ पर पता चलेगी, क्या पता चलेगी कि जितना इन्होंने यहाँ पर बेचा है, ओके, उससे ज्यादा यहाँ पर DIIs ने खरीद लिया है। तो दिस इज द पॉजिटिव थिंग, इस वजह से मार्केट हमारा नीचे नहीं जा रहा है, ओके, और जब तक पैसा हमारे पास आता रहेगा, जब तक यहाँ पर म्यूचुअल फंड पे, ओके, DIIs के पास, तब तक यहाँ पर ये खरीदारी होती रहेगी। सितंबर में इन्होंने बेचा, हमने यहाँ पर खरीदा, उन्होंने यहाँ पर खरीदा, हमने यहाँ पर बेचा, तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें चलती है। तो हमेशा याद रखिए एक पार्टी खरीदती है, एक पार्टी बेचती है। बट यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर देखिए, ये सारी पॉजिटिव चीजें यहाँ पर साथ में होती हुई दिखाई दे रही है। तो निफ्टी के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि कल के दिन में यहाँ पर मार्केट में गैप डाउन ओपन हो सकता है, यहाँ पर ये हुआ है तो यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है ये वाला 16,765 के आसपास का, जहाँ से यहाँ पर मार्केट भागा था, ओके, यहाँ पर से एक सपोर्ट लेके या तो मार्केट ऊपर चले जाएगा या फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके यहीं पर ही रुक जाएगा। और अगर यहाँ से गिरा तो एक सपोर्ट दोबारा बनता है यहाँ पर 16,400 के आसपास का, ओके, अब हम देखेंगे हमारी पूरी नजर कहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी किसमें, डो जोन्स की तरफ, डो जोन्स की तरफ रहेगी एज वेल एज नैस्डेक की तरफ रहेगी, दोनों पे हमें देखना है। देखिए डो जोन्स ने भी यहाँ पर सपोर्ट तोड़ा और नैस्डेक ने भी यहाँ पर सपोर्ट तोड़ा और अगला सपोर्ट यहाँ पर 16,700 के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर दिखाई देता है 10,324 के आसपास का, ओके, इस लेवल पे मैं लाइन लगा देता हूँ, 10,324 के आसपास का सपोर्ट दिखाई देता है। तो लगभग 600 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर नैस्डेक में, ओके, डो जोन्स में लगभग 2,000 से 2,500 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट, ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी में, उसी तरीके से अगर निफ्टी यहाँ पर गिरता है बट यहाँ पर बाइंग भी साथ साथ हो रही है तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बाद भी गिरता है तो मैं आपको आगे की और सपोर्ट दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर चीजें पता चले, ओके, यहाँ पर एक सपोर्ट मुझे दिखाई देता है, ओके, चीजें अगर नीचे आई तो एक सपोर्ट ये भी है और सबसे अच्छा सपोर्ट मुझे मेरे हिसाब से जो यहाँ पर मार्केट में दिखाई देगा ये वाला है। इस सपोर्ट पे हमें फिर काम करना है 15,800 के आसपास का। तो 15,800 मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मार्केट अभी और ज्यादा यहाँ पर अगर डो जोन्स आता है तो ये भी चीज नीचे आती हुई दिखाई देगी क्योंकि FIIs डर के मारे यहाँ पर माल निकालेंगे। बट पॉजिटिव चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ कि बाइंग यहाँ पर भी हो रही है तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। सेंसेक्स की बात करें तो हम सेंसेक्स पे भी देख सकते हैं यहाँ पर एक जंप दिखाई दी थी। सपोर्ट की बात करें एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है बट यहाँ पर अगर ये टूटता है, ओके, तो अगेन यहाँ पर ये जाता आके यहाँ पर दिखाई दे सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो इसी तरीके से हमें सारे के सारे इंडेक्सेस पे आप देखना है कि किस तरीके से ये काम करते हुए दिखाई देंगे। और निफ्टी आईटी में थोड़ी सी गिरावट दोबारा हो सकती है क्योंकि नैसडेक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो नैसडेक गिर रहा है तो यहाँ पर इसके लिए सपोर्ट, ये मेरी क्या ये अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 26,225 तक आ सकता है या फिर थोड़ा सा नीचे गिरा तो जो हमने पहले प्रेडिक्शन करी थी बहुत पहले कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट हो रही है तो ये निफ्टी आईटी 24,164 तक आ सकता है। तो निफ्टी आईटी अब यहाँ पर तक आ सकता है, इस चीज के लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर होने की कोशिश करिएगा। ओके, तो यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद फिर यहाँ पर जंप होगी। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस अगर इन्वेस्टर है तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी अलग अलग स्टॉक्स में ढूंढ सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। ओके, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब यहाँ पर मार्केट भागेगी, जो कि यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत जल्दी भागेगी और जिस हिसाब से गिरी है ओके उससे कम टाइम में यहाँ पर दोबारा पहुंचेगी, क्योंकि निफ्टी क्या किया था ओके गिरी तो बहुत टाइम में थी बट भागी, जब भागी थी एक कुछ ही टाइम में यहाँ पर देखिए आपको रिटर्न मिल गए थे। तो इसी तरीके जब भागेगी तो यहाँ पर सारे लेवल यहाँ पर क्रॉस होते हुए नजर आएंगे। बाकी ट्रेडर है तो ट्रेडर यहाँ पर शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं, ट्रेडर है तो यहाँ पर पोजिशन आप फ्यूचर ऑप्शन में यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस याद रखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिए, इन नंबरों पे नीचे कांटेक्ट कर लीजिए ताकि ये कोर्स से रिलेटेड आप डिटेल्स ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए ये लेवल्स के बेसिस पे किस तरीके से यहाँ पर पैसा कमाते हैं। जैसे कि हमने बता दिया यहाँ से चीजें नीचे जाएगी, तो यहीं से देखिए चीजें नीचे गई और जैसे हमने बता दिया गैप डाउन ओपन होता है तो ये एक मेन सपोर्ट है ओके, इसके बाद गिरता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो ये पहले से हमारी प्रिपरेशन रहती है कि हमें इसके लिए तैयार रहना है। तो इस ऐसी चीज को सीखने के लिए ये कोर्स आपके लिए बनाया, जहाँ पर रिसर्च भी बताई जाएगी, टेक्निकल भी बताए जाएंगे और आपको बताया जाएगा किस तरीके से हमने देखिए जो स्टॉक्स बताए थे सनलॉक एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर कितने परसेंट के लगभग 400% के रिटर्न मिले। हमने आपको बताया था इंद्रानी ओके इंद्रानी बायोटेक बताया था 600% के रिटर्न, सन एम क्लाउड बताया था 1,100% के रिटर्न एक एक साल में। तो ये कैसे हुआ, वो स्टडी के बेसिस पे हुआ, इस कोर्स के बेसिस पे हुआ जो मैं आपको यहाँ पर बना के आपको दिया, बहुत बेहतरीन है। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक कमेंट शेयर और कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।